तो गाइस यार हम सबको बताएं कि माइनक्राफ्ट में वार्डन भाई सबसे ज्यादा पावरफुल मॉब है और भाई इंसेन सिटी में हल्की सी आवाज करते ही भाई ये वार्डन का बच्चा जमीन फाड़ के मारा जाता है। और यार इसी राक्षस के डर से ना हमको इंसेन सिटी में बड़े ध्यान से चलना पड़ता है, क्या करें यार। लेकिन गाइस यार पिछले कुछ दिनों से एंशिएंट सिटी में भाई काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें हो रही है। यहाँ पर भाई वार्डन खुद ब खुद ही बिना किसी आवाज के ऑटोमेटिक जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और यार अगर इक्का दुक्का वार्डन होता तो फिर भी सह लेते, लेकिन यहाँ पर तो भाई वार्डन की पूरी बारात इकट्ठा हो चुकी है और अभी इनको सिर्फ एंशिएंट सिटी ही नहीं चाहिए, इनको भाई चाहिए माइनक्राफ्ट का पूरा वर्ल्ड। हाँ वो अलग बात है कि किसी किसी वार्डन को दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, बेचारा जहाँ से आया था वही चला गया। लेकिन गाइसर हमारे पास ना भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी बस कुछ ही देर में ये सारे वार्डन टेक्नो गेमर्स भाई के कासल पर भी अटैक करने वाले हैं। लेकिन यार ऐसे कैसे, मैं हूँ ना भाई आज भाई मैं बहुत ही ज्यादा तगड़े तगड़े डिफेंस सिस्टम ट्राई करने वाला हूँ हमारे टेक्नो गेमर्स भाई के कासल को बचाने के लिए। तो यार क्या मैं इतने सारे वार्डन के हाथों से टेक्नो गेमर्स भाई के कासल को बचा पाऊंगा, ये जानने के लिए ना वीडियो को बस पूरा देख लेना। सच बता रहा हूँ भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और प्लीज यार वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि इन वार्डन से फाइट करना भाई कोई खिलौनों से खेलने का काम नहीं है। तो यार आज तो दिल के दरवाजे खोल कर वीडियो को लाइक कर ही दो, ठीक है। तो चलो भाई अभी फटाफट से एक के बाद एक काफी तगड़े तगड़े डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस यार सबसे पहले तो एक बॉर्डर बनाने के लिए मैंने कुछ डायमंड ब्लॉक्स और स्लैब्स को यूज करके काफी मस्त मजबूत और टिकाऊ दिखने वाली बढ़िया सी फेंस बना ली। और गाइस यार अभी ना हम लोग इसी के अंदर भाई बहुत सारे डिफेंस सिस्टम बनाने वाले हैं। तो चलो गाइस यार शुरुआत करते हैं एक रोज से। हां नॉर्मल वाला गुलाब नहीं भाई, मैं वेदर रोज की बात कर रहा हूं। तो भाई साहब ये एक ऐसा गुलाब है जिसको वार्डन जितनी देर तक टच करता रहेगा ना उतना ही ज्यादा उसको डैमेज पड़ता रहेगा, है ना मस्त चीज। और अभी कुछ गट्टे बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ हमारी गार्डन शावल। तो फिर भाई मैं लग गया काम पे, धड़ाधड़ से बहुत सारे गड्ढे बना लिए, क्योंकि उसके अंदर मुझे लगाने थे काफी सारे मैग्मा ब्लॉक, क्योंकि अकेले फूल से काम नहीं चलेगा यार। तो भाई मैंने आसपास मैग्मा ब्लॉक लगाकर बीच वाला हिस्सा फूलों से सजा दिया, क्योंकि भाई इन बारातियों की स्वागत फूलों से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और अभी भी यार हमारा एंट्री डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा नहीं था कि इन वार्डन की अपरंपार शक्तियों को रोक पाए। तो भाई फिर मैंने स्पाइडरमैन से उधार लिए हुए कुछ जाले मैग्मा ब्लॉक और गुलाब दोनों पे ही लगा दिए। और यार सच बताओ तो मुझे अभी भी मजा नहीं आ रहा है। तो भाई फिर मुझे पता चला कि मैंने ना सिर्फ एक ही तरफ से प्रोटेक्शन दिए यार, बाकी सारी साइड तो कोरी पड़ी है। तो अगेन यहाँ पर काम आती है हमारी गार्डन शावल। तो भाई मैंने फिर से धड़ाधड़ बहुत सारे गड्ढे बना लिए, मैग्मा ब्लॉक और फूलों की बरसात करके स्पाइडरमैन से उधारी और बढ़ा ली। हाँ ये हुई ना बात, ये लग रहा है ना हमारा एंट्री डिफेंस सिस्टम एकदम तगड़ा वाला भाई, चारों तरफ से बिल्कुल सिक्योर। और भाई ये तो बस अभी शुरुआत है। और भाई सुनने में आ रहा है कि इस वार्डन को ठंड से बड़ी दिक्कत है, बर्फ के बीच में ये कांपने लगता है। हाँ भाई बड़ा गंदा डैमेज आता है इसको। तो भाई सब देर किस बात की थी, इस वार्डन को कांपते हुए देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, तो मैंने बहुत सारी स्नो लगा दी। और यार ये बेचारे वार्डन अगर एक बार बर्फ में गिर जाए ना तो भाई सब इनको बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बात का थोड़ा फायदा उठा लिया जाए। अबे साले। तो भाई जहाँ जहाँ पर मैंने जगह छोड़ी थी ना वहाँ वहाँ पर मैंने लेजर लगा दिए, ताकि ये बेचारे इसमें फंसे रहे और लेजर अपना काम करती रहे। एडवांस टेक्नोलॉजी। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, बाकायदा बाहर से इम्पोर्ट करवाइए ये इलेक्ट्रिक फैंस। अगर इसको हल्का सा टच करते हैं ना तो भाई 440 नहीं पूरा 1200-1600 का झटका लगेगा। तो भाई मैंने ना यहाँ पर अपना बिग ब्रेन यूज करके इस इलेक्ट्रिक फैंस को कुछ इस तरीके से लगाया कि यहाँ पर ना कुछ वार्डन फंस सकते हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा है ना। और भाई सच में इस टाइम पे तो भाई इतनी तगड़ी फीलिंग आ रही थी कि यहाँ से शायद ही कोई वार्डन बच के भी जा सकता है। और भाई सबको बताया कि अगर ये वार्डन एक बार पीछे पड़ जाए ना तो भाई सब आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। तो इन वार्डन को और ज्यादा डैमेज देने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ और लेजर लगा दिया। और भाई सब अभी बारी थी कुछ बड़ा बनाने की। बड़े से मेरा मतलब है काफी ऊंचा और मस्त दिखने वाला एक प्यारा सा स्नो गोलम टावर। तो फिर मैंने मजदूरी करना शुरू कर दी, रेनफोर्स्ड डिप्लेट स्टेट्स ग्राइंडस्टोन नेदरएक ऐसे ही अतरंगी चीजों को यूज करके मैंने इसे टावर को मस्त मजबूत और टिकाऊ बना लिया। और उसके बाद मैंने इस टावर में बहुत सारे स्नो गोलम भी स्पॉन कर दिए। और फिर मैंने नीचे के नेदरएक पे चिंगारी मारकर आग लगा दी, ताकि भाई बर्फ के गोले निकले आग में लिपटे हुए। और उसके बाद मैंने ऐसे ही पूरे चार टावर बना लिए। हाँ देखो मजदूरी देखो यार, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार ये तो गलत बात है ना, कर दो यार फटाफट से वीडियो को लाइक और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस यार इन चार टावर्स को बनाने के बाद भी भाई हमारे पास ना काफी सारी खाली जगह थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मस्त तगड़ा वाला ऑटोमेटिक एरो सिस्टम बना लिया जाए। तो भाई मैंने बहुत सारी स्टेज ऑब्जर्वर डिस्पेंसर और हमारी गॉड एंड शॉवल
अरे आपको पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? भैया तगड़ी वाली शॉवल है, इसको ना थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो यार इसी शॉवल को यूज करके मैंने कुछ गड्ढे बना लिए, और उसके बाद उस गड्ढे के अंदर आने वाले थे कुछ स्टिकी पिस्टन, और उसके ऊपर मैं रखने वाला था बहुत सारे ऑब्जर्वर्स। एंड ऑब्वियसली यार जगह की कोई कमी नहीं थी, तो यार आपके भाई ने एक से भले दो एरो सिस्टम बना लिया, और थोड़ा बहुत रेडस्टोन का काम कंप्लीट करने के बाद सारे डिस्पेंसर में अलग अलग प्रकार के एरो डाल दिए। एंड इसी के साथ गाइस यार इस वार्डन की पूरी बारात को रोकने के लिए हमारा डिफेंस सिस्टम बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है भाई। सब स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर वार्डन को डैमेज ना पड़े, और भाई बस ऐसे ही पूरे कॉन्फिडेंस में तलवार लेकर खड़ा था इन वार्डन का स्वागत करने के लिए। लेकिन तभी मुझे याद आता है कि मैंने वो आर्मर नहीं पहना हुआ था, तो मैं आगे फटाफट से टेक्नो गेमर्स भाई के कासल में, और वहां पर भाई मुझे एक सल्कर बॉक्स में से लिटरली काफी ज्यादा तगड़ी चीजें मिलती है। 4 गोल्डन एप्पल, 15 एंचांटेड गोल्डन एप्पल, और कुछ ब्लॉक ऑफ आयरन और थोड़े से पंपकिन भी थे ताकि थोड़ी सी मदद बुला पाए। और हाँ भाई नेदरराइट के आर्मर की तो क्या ही बात है भाई, इतना तगड़ा आर्मर था कि जिसको पहनने के बाद मुझे बिल्कुल सुरवीरो वाली फीलिंग आ रही थी। और भाई मुझे ना कोई भी रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने पहले से ही कुछ आयरन गोलम को स्पॉन करने का बंदोबस्त कर लिया, और उसके बाद भाई मैं अपनी स्वॉर्ड और अपने खतरनाक नेदरराइट के आर्मर के साथ वार्डन की वेव का वेट कर ही रहा होता हूं। और तभी ये वार्डन की वेव आई जाती है। भाई सच बता रहा हूं, आज से पहले मैंने इतने सारे वार्डन कभी भी एक साथ नहीं देखे थे, और भाई हमारा एंट्री डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा तगड़े तरीके से काम कर रहा था। और यार जो जो वार्डन धीरे धीरे करके आगे आना चाह रहे थे ना, वो तो भाई एक के बाद एक करके बर्फ में गिरने लगे। और हाँ भाई ये भी कहना पड़ेगा, मकड़ मानव से उधार लिए हुए जाले भाई काफी ज्यादा काम में आए। और भाई जैसे कुछ वार्डन भाई चालाकी दिखाकर आगे आने की कोशिश कर रहे थे ना भाई साहब, हमारे स्नो गोलम ने उधर ही अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। और फिर तो भाई एकदम से बहुत सारे वार्डन यार काफी ज्यादा नजदीक आने लगे, लेकिन तभी भाई हमारे इलेक्ट्रिक फेंस ने वार्डन को झटके देना स्टार्ट कर दिया। और यार सच बताओ तो अभी तक तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, आधे से ज्यादा वार्डन तो भाई बर्फ में धसे पड़े थे। लेकिन तभी भाई साहब मैं आता हूँ जंग के मैदान में। मैंने सोचा भाई कुछ आयरन गोलम स्पॉन कर देते और फटाफट से मामला रफा दफा कर देते, सारे वार्डन को निपटा देते। लेकिन तभी भाई एक वार्डन ने मेरी हालत पतली कर दी। यार पता नहीं इसको कौन सी बात का गुस्सा चढ़ा हुआ था भाई, पीछे दो गोलम भी दिख रहे थे, लेकिन नहीं, सारा राशन पानी लेके मेरे सर पे चढ़ गया। और तभी भाई मुझे आ जाता है बहुत ही तगड़ा वाला गुस्सा, तो मैंने स्वॉर्ड के रख रख के इसको शॉट्स बजाना शुरू कर दिया। लेकिन इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आ गया और एंचांटेड गोल्डन एप्पल खाया, और जैसे पीछे मुड़ के देखा इस बेचारे वार्डन को तो भाई स्नो गोलम ने खत्म कर दिया। और भाई सब जरा इस आयरन गोलम को देखो भाई सब, दो वार्डन स्नो गोलम की बैंड बजाए जा रहे, लेकिन इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और भाई मैं फिर से जाता वार्डन से पंगा लेने के लिए स्नो गोलम को बचाने के लिए, लेकिन सच में यार ये वाला वार्डन तो भाई हद से ज्यादा भड़का हुआ है। लेकिन फिर गाइस सर मैंने बैक टू बैक एंचांटेड गोल्डन एप्पल खाना शुरू कर दिया, और अपने एरो सिस्टम को ऑन करके इसको बहुत ही गंदा वाला डैमेज दे दिया। और उसके बाद फाइनली गाइस सर हमने और स्नो गोलम ने मिलकर इस वाले वार्डन को भी फिनिश कर ही दिया। एंड फाइनली गाइस सर अभी बस यहाँ पर ये दो वार्डन पता नहीं कैसे अभी भी बर्फ में कांप रहे, और थोड़ी देर के बाद ये एक वार्डन भी बेचारा फिनिश हो ही जाता है। एंड यस गाइस यार हमारे इस डिफेंस सिस्टम ने टेक्नो गेमर्स भाई के कासल को वार्डन के हाथों से बचा ही लिया। और हाँ भाई मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई वार्डन बच के भी जा सकता है। तो बस यार आज के लिए वार्डन की इतनी कुटाई काफी है, बाकी किसी और वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बैठे क्या हो यार, मेरा कोई दूसरा वीडियो देख लो, सच बता रहा हूँ मजा डबल आएगा।